आज हम सीखते हैं एक डिफरेंट टाइप का बॉटनेक बनाना। ये बॉटनेक है, इसका डिफरेंट ये चीज़ है। ये पार्ट देखिए इसका, कि ये पूरा ये लुक पूरा इसका डिफरेंट है। तो आज हम सीखते हैं ये बॉटनेक बनाना। ये हमने लाइनिंग की कटिंग की है, यहाँ से हमने तीरे का नाप लेकर इसकी कटिंग की है। ये आप मेरा कॉलर वाला कुर्ते की कटिंग का वीडियो देखकर इसकी कटिंग कर सकते हैं। तो ये हमारा तीरे का हाफ है और फिर ये हमारा तख्ती का हाफ है। तख्ती के हाफ में हमने आधा इंच और प्लस किया है क्योंकि हमारा नेक बहुत छोटा है। इसके बाद हमने ये स्टैंडर्ड साइज आर्मोल 8 इंच लिया है। यहाँ से हमने सीने का चौथा प्लस 2 लिया है। इसके बाद हमने कमर लंबाई ली है, यहाँ पर हमने कमर गोलाई का चौथा प्लस 2 लिया है। इसके बाद हमने सीट लेंथ ली है और यहाँ पर हमने सीट लेंथ का 1/4 प्लस 1 लिया है और यहाँ पर हमने सीट लेंथ का 1/4 प्लस 2 लिया है। ये हमने लाइनिंग की कटिंग की है, यहाँ से हमने आधा इंच लेकर इसकी कटिंग कर ली है। ये बॉटनेक है तो इसकी विड्थ हमने ये देखिए 5 इंच की रखी है। तो ये अब हमारा फ्रंट नेक कटेगा। ये यहाँ से फ्रंट नेक हमारा 6 इंच का है। अब हम इसको शेप देकर ये फ्रंट नेक की और ये फ्रंट वाले आर्म होल की कटिंग करेंगे और फिर हम मेन कपड़े को कट कर लेंगे। आप ध्यान रखें आपका ये बिल्कुल नहीं कटे, थोड़ा सा आप छोड़कर इसकी कटिंग करिए। अब हम अपने मेन कपड़े की कटिंग कर लेंगे और लाइनिंग वाले कपड़े को सिलने का मेथड बस ये रहता है, ये हमारा मेन कपड़ा है तो इसकी उल्टी साइड पर आप अपना लाइनिंग को सब तरफ से इसके साथ अटैच्ड कर लीजिए। लाइनिंग वाले कपड़े को सिलने का कोई अलग मेथड नहीं होता है, बस हर जगह से आप इसके बराबर बराबर इसकी पहले सिलाई लगा लीजिए, इसको एक कपड़ा बना लीजिए, फिर आप इसकी सिलाई कर लीजिए। तो हम सबसे पहले इसके बराबर इसकी कटिंग करते हैं और फिर यहाँ चारों तरफ इसके साथ साथ सिलाई लगा देंगे। ये पार्ट हम खुला रखेंगे, ऐसा ही हम बैक वाले पार्ट के साथ करेंगे। और इसके लिए आप मेरा चाइना हाफ कॉलर वाला वीडियो देखकर इस कुर्ते की कटिंग कर सकते हैं। अब हमने ये लाइनिंग को मेन कपड़े के साथ सब तरफ से सिलाई लगा दी है। ये साइड हमने ओपन रखी है और बस इसको ऐसे ही हमने फोल्ड कर लिया है, ये हम खुला ही रखेंगे और जो भी हमारा एक्स्ट्रा पार्ट होगा उसकी हम कटिंग कर लेंगे। ये हमारा फ्रंट पार्ट है, इसमें मैंने सबसे पहले नीचे पेपर कैनवास रखा, फिर एक रफ कपड़ा रखा और हमारा जो मेन कुर्ता है उसको मैंने उल्टा रखकर यहाँ से लेकर यहाँ तक सिलाई लगा ली है। अब हम इसको जैसे कि हम हमेशा नॉर्मल तरीके से नेक बनाते हैं वैसे मैंने इसको बना लिया है, सिलाई लगा ली है और मैंने ये पेपर कैनवास पर एक मार्क लगाया है। अब मैं सिर्फ और सिर्फ इस पेपर कैनवास की कटिंग करूँगी। आप ध्यान रखें आपका कोई और कपड़ा न कटे। अब हम इस वाले कपड़े को इससे थोड़ा बार बार कटिंग कर लेंगे। अब हम सिर्फ और सिर्फ इस वाले कपड़े की कटिंग कर लेंगे। ध्यान रखें कि आपके कुर्ते का कपड़ा न कटे। अब हम इसके बराबर इसकी कटिंग कर लें। और सिलाई के पास तक हम कट्स लगा लें।
ध्यान रखें आपकी सिलाई ना कटे। अब हम ये पार्ट को सिर्फ इस कपड़े को इस कैनवास के ऊपर ऐसे सिलाई लगा लेंगे। अब हम पीछे वाला नेक भी सेम मेथड से बना लेंगे। सबसे नीचे पेपर कैनवास, उसके ऊपर एक्स्ट्रा कपड़ा और फिर अपने कुर्ते का कपड़ा। उस कुर्ते के कपड़े को हम उल्टा रखेंगे और ऐसे सिलाई लगा लेंगे। अब हम ये नेक पर क्रॉस पट्टी, जिसको कि हम उरेब पट्टी भी बोलते हैं, उसकी पाइपिंग लगाएंगे। ये मैं आपको अपने पहले भी वीडियोस में बता चुकी हूँ उरेब पट्टी को काटने का तरीका। अब हम इसमें यहाँ पर पाइपिंग लगाएंगे, तो इस उरेब पट्टी को हम सीधा रखेंगे और उसके ऊपर ये नेक को हम उल्टा रखेंगे और एकदम किनारे किनारे हम सिलाई लगाएंगे। अब हम इसको फोल्ड करते हुए एक बार ऐसे जो एक्स्ट्राज हैं उनकी कटिंग कर लेंगे। इसको हम एक बार ऐसे फोल्ड करेंगे, फिर एक बार ऐसे फोल्ड करेंगे और एकदम जितनी हमें शो करनी है, दिखानी है, उतनी पतली हम इस पाइपिंग को कर लेंगे। अब हम इस पर 1 फुट की डिस्टेंस पर एक सिलाई और लगाकर हमारे ये वाले पार्ट्स को दबा लेंगे। अब हम ये हमारा फ्रंट पार्ट है नेक का, इस पर हम यहाँ पर ये लेस लगाएंगे। अब हम इस लेस को थोड़ा ऐसे यहाँ पर जैसे थोड़े बहुत छल देते हुए इसको लगा लेंगे। आप चाहें तो ये लेस को हाथों से भी लगा सकते हैं और मशीन से भी लगा सकते हैं। यहाँ पर थोड़े से जैसे ये लिफ है, इसको हम ओवरलेप कर लेंगे। इस तरह से हमारी ये लेस लगकर तैयार होती है। ऐसी पाइपिंग्स हम बैक वाले पार्ट में भी लगा लेंगे और स्लीव्स में भी लगा लेंगे। अब हम हमारे नेक की यहाँ से मेजर कर लेंगे कि हमें कहाँ तक इसमें स्ट्रिप्स लगानी है। हम 2.5 इंच तक यहाँ पर इसमें अंदर की तरफ स्ट्रिप्स लगाएंगे। अब हम ये 5 इंच लंबाई में और 3 इंच इसकी चौड़ाई लिए मैंने और ये डबल कपड़ा ले लिया है। इसको मैं ये 2 साइड से सिलाई लगा लूंगी। अब हम इन्हें इसे सीधा कर लेंगे। अब हम यहाँ पर ऐसे 3 इंच पे मार्क कर लेंगे। ऐसा ही हम इस साइड भी कर लेंगे। और अब हम ये हमारा बैक पार्ट है और ये हमारा फ्रंट पार्ट है। हम इन दोनों पार्ट्स को ऐसे रखेंगे और ये जो हमारा धागा कपड़ा है इसको इसके नीचे यहाँ पर रखेंगे इस तरह से। ये हमने मार्क किया था
ये दोनों इक्वल रहे, ये वाला पार्ट और ये वाला, और आप इस पर यहाँ ऐसे सिलाई लगाएं और यहाँ पर आकर इस पर सिलाई लगाकर आप यहाँ पर रुक जाएं। इस सिलाई को आप चाहें तो ड्यूरेबल करने के लिए डबल लगा लें। अब हम ये वाला पार्ट लेकर यहाँ पर ऐसे सिलाई लगा लें। यहाँ देखिए आप कि यहाँ आपके पार्ट्स दोनों इक्वल रहे। अब हम ये एक्स्ट्रा पार्ट की कटिंग कर लेंगे। ये हमारा इस तरह से रहेगा। ऐसा ही हम ये साइड भी कर लेंगे। अब हमारा ये नेक इस तरह से दिखाई देता है। अब हम ये जगह पर चाहें तो सिलाइयां लगा लें या तुरपाई कर लें और इस तरह से हम एक अच्छा सा नेक तैयार कर सकते हैं। डिफरेंट काइंड का बोट नेक तैयार होता है। इसको सिलने का तरीका हमारा और कुर्तों की तरह ही रहेगा, सेम मेथड रहेगा। इसके लिए आप मेरी कुर्ता प्लेलिस्ट देखकर अपने कुर्ते को कंप्लीट कर सकती हैं।